Good evening, everyone. Now we are moving on to the part four of this chapter, which is basically I'll be focusing today on balancing. Okay, so isse pehle part two and part three mein probably you might have gone through the different aspects of chemical reaction hota kya hai, how about reactant and product, and what are the basic characteristics of a chemical reaction with specific equations. So us क्लास में मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बताया था कि इस पूरे चैप्टर का जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है वो है बैलेंसिंग द इक्वेशन. ये है सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक. शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट लेट मी टेल यू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट यू कैन गेट, बिकॉज देर इज ओनली वन वे, अ वेरी सिंपल वे टू गो अबाउट. कोई आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कुछ करने की जरूरत नहीं है. स्कूल में बहुत सारे टेक्निक सिखाएंगे आपको, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, दैट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड. उस हिट एंड ट्रायल मेथड से इट इज वेरी मच इजी टू कवर अप द बैलेंसिंग, बिकॉज बैलेंस करना इस चैप्टर के लिए, बैलेंसिंग इस पूरे चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड वेन एवर देर इज एन इक्वेशन, वेन एवर देर इज एन केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड बी एबल टू बैलेंस इट. दैट इज वॉट द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल बैलेंसिंग, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वॉट इज अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का. ओके, किसके हेल्प से, जिसमें हम सिंबल यूज करते हैं और जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको जैसे N2 plus H2 is equal to NH3, ये एक सिंपल क्या है, ये एक सिंपल आपका केमिकल रिएक्शन है, और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करके. सो दैट इज व्हाट अ केमिकल इक्वेशन. इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है. केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, फिर कुछ टीचर्स एक वर्ड यूज करते हैं स्केलेटल इक्वेशन. नाउ स्केलेटल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. स्केलेटल इक्वेशन मतलब क्या है, जस्ट एक इक्वेशन जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में है. सो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन बोला गया है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ इन नाइन्थ क्लास यू माइट हैव गॉन थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, नाउ व्हाट डज इट स्टेट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट व्हेन रिएक्शन हैपेंस इन अ क्लोज्ड कंटेनर. ओके, बस उसी से ही थोड़ा रिलेटेड है. मैं कहता हूं कि जितना एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, अगर उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में है, दैट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सो दैट मीन्स इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन विच साइड, ऑन द रिएक्टेंट साइड, इफ इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, नाउ बिफोर गोइंग फॉर द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, आपको मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ नंबर ऑफ एटम्स को लेकर. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ, जैसे आप फर्स्ट देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन देखिए जरा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एच है. सिंगल एच का मतलब क्या है, इट इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. और जब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर जुड़ जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए थर्ड नंबर पे 3H2 है, तो 3H2 का मतलब कि आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो ये 1, 2 एंड 3 आपको क्लियर हो गया. फर्स्ट में क्या है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि उसके सामने अगर कुछ नंबर नहीं लगा तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि वो क्या है, 1 है. ठीक है, देन एच के सामने 2 लगा हुआ है, दैट मीन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. उसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड में H2 के लेफ्ट साइड में 3 लगा हुआ है, सो 3 विल गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन विद 2, सो 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन. अब नेक्स्ट फोर्थ देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लगाया सच, तो हम 1 कंसिडर करेंगे, तो 1 × 2 दैट इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, राइट, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है इसलिए 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. मूविंग ऑन टू फिफ्थ वन. ओके, फिफ्थ वन में देखिए, ये 3 इसके साथ भी वैलिड है और ये 3 इसके साथ भी वैलिड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ऑन द अदर हैंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ से आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करते हैं. ओके, अब KCl3 देखिए, K के सामने 1 है, नथिंग इज देयर, तो हम उसको 1 मान के चलेंगे, तो 1 एटम ऑफ पोटेशियम. क्लोरीन के सामने भी कुछ ऐसा नंबर नहीं है, तो 1 एटम ऑफ क्लोरीन. बट ये जो 3 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है. आई रिपीट, ये 3 जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए वैलिड है, किसी और के लिए वैलिड नहीं है, तो इसलिए 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन. सेवेंथ वन में देखिए, अब ये जो 2 लगा है, KCl3, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2
पोटेशियम के लिए वैलिड है, ये टू क्लोरीन के लिए भी वैलिड है, और ये टू ऑक्सीजन के लिए भी वैलिड है. तो अगर सिर्फ पोटेशियम की बात करें तो टू एटम्स ऑफ पोटेशियम, क्लोरीन के बारे में बात करें तो सिर्फ टू टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को काउंट करेंगे तो टू इंटू थ्री, ओके, टू थ्री का सिक्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. ओके, सो जब भी नंबर्स लगते हैं आपको एकदम क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि कितने एटम्स यहाँ पे. अब जैसे कुछ रिएक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे एट वाला देखिए जरा आप, इसमें लेड के सामने कुछ लगा नहीं है इसलिए वन एटम ऑफ लेड. ओके, अब ये जो टू है ब्रैकेट के बाहर है तो ये हाइड्रोजन के लिए भी वैलिड है और ये टू ऑक्सीजन के लिए भी वैलिड है. तो टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. अब इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, अब जैसे थ्री पी बी, थ्री पी बी थ्री इसके लिए वैलिड है, थ्री इस ऑक्सीजन के लिए भी वैलिड है और थ्री इस हाइड्रोजन के लिए भी वैलिड है. ऑन दी अदर हैंड ब्रैकेट के बाहर ये टू देख रहे हैं आप, ये टू ऑक्सीजन के लिए भी वैलिड है और हाइड्रोजन के लिए भी वैलिड है, पी बी के लिए नहीं है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने एटम्स हो गए लेड के, कितने एटम्स हो गए, थ्री एटम्स ऑफ लेड. ओके, अब ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का ऑलरेडी दो है यहाँ पर, प्लस तीन और आ गया, मैंने बताया था आपको ये. अगर आप ध्यान से देखोगे ये थ्री, ये वाले ऑक्सीजन एंड ये टू भी ऑक्सीजन के लिए वैलिड है, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी लाइक सिक्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑन द अदर हैंड ये थ्री इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एज वेल एंड दिस टू इज ऑल्सो वैलिड फॉर हाइड्रोजन, तो अगेन हाउ मेनी एटम्स, सिक्स एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस इज द वे यू हैव टू गो, आपको इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो इफ यू टेक माई पॉइंट, आपको एक बार ये वाला अच्छे से रिवाइज करिएगा कि कैसे होता है, ये वाला देखिएगा कैसे होता है, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग नंबर ऑफ एटम्स का अच्छा है और इस दोनों में भी नंबर ऑफ उसका नंबर ऑफ एटम्स का अंडरस्टैंडिंग क्लियरली दे रखा है आपको. ओके, सो व्हाइल यू गो थ्रू दी वीडियो प्लीज गो थ्रू अगेन एंड अगेन हाउ टू गो अबाउट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंसिंग. मैंने यहाँ पे कुछ 9 to 10 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, देन आई विल शो यू हाउ टू गो अबाउट. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नोट करना है आपको बैलेंसिंग सिर्फ नंबर्स के साथ यूज करना है. ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, आप किसी भी इक्वेशन के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते. पॉइंट वन, नंबर्स हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, कभी भी आप बीच में नहीं ऐड कर सकते, राइट हैंड साइड में नहीं ऐड कर सकते. ओके, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मैंने आपको भी बताया. ओके, सो दिस यू हैव टू टेक केयर. ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इक्वेशन. अब आपको करना क्या है, आपको बस नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं. नंबर ऑफ एटम्स देखिए एलएचएस में कितना है और आरएचएस में कितना है, एलएचएस एंड आरएचएस मींस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना है. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर आप देखो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया थ्री टू ज़ा सिक्स और यहाँ पे भी हो गया थ्री टू ज़ा सिक्स. ओके, लेकिन अभी नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे है टू और यहाँ पे है टू, सो दिस इज बैलेंस्ड. सो लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस को आपको इक्वल करके चलना है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है टू और यहाँ पे है थ्री. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे. नंबर्स अगर इवन नंबर्स है तो ईजी हो जाता है, अगर ऑड नंबर्स हैं तो आप जस्ट नंबर्स को इंटरचेंज करो. यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थ्री से और यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ टू से. ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑक्सीजन अब कितना हो गया है, सिक्स, और यहाँ पे भी कितना हो गया है, सिक्स. तो एल एच एस और आर एच एस में ऑक्सीजन तो सेट हो गया है सिक्स. अब पोटेशियम कितना हो गया यहाँ पे, टू, और क्लोरीन भी टू. तो अगर मैं यहाँ पे टू लगा दूँ तो बैलेंस हो जाएगा, दो पोटेशियम दो पोटेशियम, दो क्लोरीन एंड दो क्लोरीन, और ऑक्सीजन सिक्स और ऑक्सीजन सिक्स. सो दिस वे इट इज बैलेंस्ड. मूविंग ऑन टू द थर्ड इक्वेशन, अब यहाँ पे आप देखो आप किसी भी इक्वेशन यानी किसी भी एलिमेंट को लेके टेकअप कर सकते हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर जगह से लेना है या रिएक्टेंट साइड से लेना है, प्रोडक्ट साइड से लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू हैव टू टेक वन पर्टिकुलर एलिमेंट एंड वहां से आप कवर अप कर सकते हो. जैसे इक्वेशन थ्री में देखिए जरा, इक्वेशन थ्री में यहाँ पे फ्लोरीन है आपका दो और यहाँ पे है वन. ओके, तो अगर मैं इसको कर दूँ टू, ओके,
ओके टू से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्लोरीन हो गया टू, सॉरी फ्लोरीन टू एंड फ्लोरीन यहाँ पे टू और यहाँ पे टू बैलेंस हो गया। अब सोडियम कितना है यहाँ पे टू और यहाँ पे कितना है वन, तो यहाँ से मैं टू अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो सोडियम और सोडियम बैलेंस हो गया और बाई डिफॉल्ट देखो टू डालने पे क्लोरीन टू आ गया और यहाँ पे भी क्लोरीन टू है तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आप एक नंबर डालो अपने आप सारा सारा बैलेंस होता जाएगा। ओके मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, फोर्थ वन में देखिए जरा आप, फोर्थ वन में देखो यहाँ पे एच टू है, ओ टू है और एच टू ओ है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे एच टू के सामने एच टू ओ के सामने टू डाल दूँ, एक रैंडम नंबर डाल दूँ, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे फोर और यहाँ पे कितना है टू, तो यहाँ से मैं अगर मैं टू डाल दूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन टू हो गया और यहाँ टू टू हाउ मच हाइड्रोजन टू इंटू टू हाउ मच इट इज फोर और यहाँ पे भी फोर। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट साइड में टू और यहाँ पे भी कितना है टू, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। ओके सो दिस वे वी हैव टू गो अबाउट, राइट। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, फिफ्थ वन में देखेंगे हम। अब यहाँ पे आपको दे रखा है लेड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड लेड क्लोराइड। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लोरीन दो एटम्स हैं और यहाँ पे कितना एटम है वन एटम है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया टू से, ठीक है। तो क्लोरीन मेरा बैलेंस हो गया, दो क्लोरीन एंड दो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस में। अब हाइड्रोजन को देखो कितना गिनेंगे आप यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे दो ऑलरेडी है और यहाँ पे दो है, कितना हाइड्रोजन हो गया चार और यहाँ पे कितना है सिर्फ दो, तो टू मेक इट फोर मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई इट विद टू। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे टू एंड टू कितना हो गया, ये वाला टू और ये वाला टू, हाउ मेनी हाइड्रोजन फोर और ये वाला देखो हाइड्रोजन फोर। ओके नाउ मूविंग ऑन, अगर आप ध्यान से देखो हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया है। अब आप ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे टू, यहाँ पे टू ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। क्लोरीन दो क्लोरीन दो, ये वाला दो क्लोरीन बैलेंस्ड है एंड लेड एक लेड एक। ओके सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सो टेक्निकली ये वाला इक्वेशन बैलेंस हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ वन में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रोमीन तीन है और यहाँ पे ब्रोमीन सिंगल है, तो इसको क्या करेंगे हम, मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से। ओके तो अभी फिलहाल विल डू वन मोर थिंग। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब SO4 ब्रैकेट्स में SO4 कितने बार है यहाँ पे, SO4 यहाँ पे थ्री टाइम्स है। अगर मैं एज अ ब्रैकेट को कवर अप करूँ, SO4 इज हाउ मेनी टाइम्स, थ्री टाइम्स, और यहाँ पे SO4 कितने बार है, सिर्फ सिंगल टाइम, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से, तो थ्री SO4 और थ्री SO4 बैलेंस हो गया। अब थ्री डालने पर पोटेशियम कितना हो गया, थ्री टू सा सिक्स और यहाँ पे कितना सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो गया मैंने डाल दिया सिक्स। ओके नाउ अब मैंने सिक्स पोटेशियम और सिक्स पोटेशियम तो हो गया, ब्रोमीन कितना हो गया यहाँ पे सिक्स हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन कितना तीन, तो टू मेक इट सिक्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ब्रोमीन सिक्स हो गया। अब एल्यूमिनियम कितना है टू और यहाँ पे भी देखो एल्यूमिनियम कितना है प्रोडक्ट साइड में टू। सो दिस वे यू कैन सी दैट हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में नंबर्स को कवर अप करके हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन, ओके सेवेंथ वन में देखो क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे फोर है और हमारे पास यहाँ पे टू है, तो मेक इट बैलेंस्ड, तो मैं क्या करता हूँ मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हो गया फोर और यहाँ पे ऑलरेडी फोर, तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन कितना है टू और टू फोर, ऑक्सीजन है और यहाँ पे टू ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई कर दो टू से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन फोर एटम्स हो गए और राइट हैंड साइड में टू प्लस टू फोर हो गया और कार्बन तो सिंगल था ही, तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके तो अगर कहीं पे भी डाउट होता है जस्ट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है और कितने काउंट्स हो रहे हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एट्थ वन। अब एट्थ वन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कार्बन तीन है ओके और यहाँ पे कार्बन वन है, ओके ना, एंड तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एट है और यहाँ पे हाइड्रोजन टू है, सो टू मेक इट मोर स्पेसिफिक अगर मैं इसे फोर से मल्टीप्लाई कर देता तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया एट और यहाँ पे एट बैलेंस्ड, कार्बन यहाँ पे तीन था यहाँ पे तीन हो गया बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन देखिए
3 2s are 6 plus 4. How many oxygen is there? 10 oxygen. So to make it 10, main isme kisse multiply karunga? 5 se multiply kar diya. So this way, if you just counted 3 and 3 balanced, 8 and 8 balanced, 10 and 3 2s are 6 plus 4, 10 balanced. So this way, it is also balanced. Moving on to the ninth equation, balancing ka. अब यहाँ से अगर हम किसी को भी पिकअप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन यहाँ पे 3 टाइम्स है और यहाँ पे आपको दिख रहा है इट इज सिंगल टाइम, कोई और नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जैसे यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम 3 हो गया और यहाँ पे सोडियम सिंगल है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 सोडियम कर दिया. ओके, आयरन अभी भी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है, तो आयरन इज प्रीटी मच बैलेंस्ड. नाउ इफ आई वांट टू सी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. हाइड्रोजन देखना है आपको, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3 है, तो इट इज बैलेंस. सो मुझे बस एक 3 डालना था, बाकी अपने आप सब कुछ बैलेंस हो गया. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन. लास्ट वन में अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. हाउ टू मेक इट बैलेंस, अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूँ, राइट, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 10, राइट. जैसे 2 डाला, पोटेशियम कितना हो गया, फॉस्फोरस कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, तो ये मेरा फॉस्फोरस 4, फॉस्फोरस 4, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 10. सो दिस वे इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड. सो बैलेंसिंग इट्स वेरी इजी, बस ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ नंबर्स डालने टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट कंपाउंड. बीच में ही डालेंगे, राइट हैंड साइड में नहीं डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे, एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे. आप एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू करिए, एंड इसके साथ मैं आपको आज इसको अच्छे से कवर अप करो, प्रैक्टिस करो. आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू वर्कशीट स्पेसिफिकली ऑन बैलेंसिंग, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा या सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, विच एवर वे. आई होप आपको ये बैलेंसिंग वाला क्लास समझ में आ गया, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी बुक में भी बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास, विच इज द पार्ट 5 ऑफ दिस क्लास, वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो व्हाइल डिस्कसिंग द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे होता है. सो आई होप टुडेज क्लास वॉज वेल एंड अंडरस्टैंडिंग. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, विल कैच इट अप इन द नेक्स्ट.